क्यों यकीन नहीं हो रहा है वो मीट था किसका? अनिल भाई किसका था वो? सच में बकरे का ही था? नहीं, बकरी का। तो जी आज वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ रेडी होने के बाद। उसका एक रीज़न है क्योंकि आज मैं उठा बड़ी लेट हूँ। कल डिनर से आया था, सोते सोते टाइम लग गया, रात को 1-1.5 बजे सोया था। हो सकता है इस वजह से नींद लेट खुली। तो आज मैंने जैकेट भी पहन लिया क्योंकि मौसम चेंज हो गया, बाहर हो गई है ठंड। और आज ना मैंने आरती सुनी है, ना ही मैंने हॉरोस्कोप देखा, ना न्यूज़ सुनी है, क्योंकि आज मैं उठा लेट था इसलिए जल्दी जल्दी रेडी हुआ। तो निकलने वाली बात की, तो टाइम हो गया सुबह के 9:23 हो रहे हैं इस घड़ी में, इस घड़ी में हो रहे हैं 9:22 और इस घड़ी में हो रहे हैं 9:26। तो अभी चलता हूँ मैस में, ऐसा ना हो खाना भी ना मिले क्योंकि आज मैं कुछ ज़्यादा लेट हो गया हूँ सच में। तो करते दिन की शुरुआत, बनाते हैं वीडियो, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं मैग्नेटिक स्टूडियो और देख रहे हैं मेरा न्यू व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऐसा नहीं है कि मैस में आज खाना बचा नहीं हुआ था, बट एक्चुअली मैस में जो बना था वो मैं खाता नहीं हूँ। ऐसा जब भी होता है मैस में कि कुछ भी ऐसा हो जो मैं नहीं खाता हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो मैं क्या करता हूँ, चाय ले आता हूँ। तो ये लेके आ गया मैं चाय, और अब इसके साथ मैं खाऊंगा बिस्किट। एक्चुअली मैं रखता हूँ, तो ये बिस्किट मैं रखता हूँ यहाँ पे, और ये बिस्किट भाई, भाई ये बिस्किट ना मेरा फेवरेट है यूनिबिक का, सिर्फ यही फ्लेवर, फ्रूट एंड नट कुकीज़ वाला। तो इसके साथ मैं करूँगा ब्रेकफास्ट अपना ख़त्म, उसके बाद चलते हैं। तो आप देखते रहो। सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं था और सिर्फ चाय के साथ बिस्किट खाए थे, तो मैं और अनिल भाई अभी आ गए यहाँ पे, और हम खा रहे हैं नॉन वेज चाउमिन्स। मैंने उधमपुर में कभी भी नहीं खाए नॉन वेज चाउमिन्स, और ये अनिल भाई भी खा रहे हैं। बट इन्होंने क्या किया, अपनी कर दो एक बार फिर से थम्स अप, इन्होंने अपनी प्लेट से जितना भी नॉन वेज था वो मेरे इसमें डाल दिया। भाई ये है किसके लिए? पक्का? मेरे को भी लग रहा है बकरा ही है। तो और साथ में मिला सूप, तो हम दोनों करते हैं एंजॉय। भाई नूडल्स तो हमने खा लिए, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा है वो मीट था किसका। अनिल भाई किसका था वो? सच में बकरे का ही था? नहीं, बकरी का भाई। ये बोल रहे हैं बकरे का, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ना अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं किसका खिला दिया, बट ऐसा हो नहीं सकता, आई होप बकरे का ही हो। तो बड़ा बोरिंग फील हो रहा है यार, कब से घूम रहे हैं हम, पता है सुबह 10 बजे से निकले हुए हैं, कहीं वॉक करते करते निकल गए हैं चाउमिन वगैरह खा के, और अब जा रहे हैं वापस। तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब आप इतने थके हारे आए हो ना कहीं से भी घूम के, अब जब आप घर पे आते हो तो डिसअपॉइंटमेंट क्यों होती है। जैसे मैं और अनिल भाई आज पैदल हमने ट्रैक किया, ज़्यादा नहीं पर कोई 10-12 किलोमीटर हम चले, घूमे, खाया पिया और आए, क्योंकि ठंड थी सुबह से, तो हमने सोचा आज वॉक करते हैं। तो गए हुए थे ट्रैक पे, आए जैसे ही रूम में पहुंचे आगे देखा लाइट बंद। अब लाइट बंद है तो कुछ भी काम रहता नहीं है, पूरा कमरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब खाना भी खाना है, और आज स्पेशली CSK और मुंबई इंडियंस का मैच भी है, तो वो भी देखना था। बट आया तो थैंक गॉड खाना जो है आज अच्छा बना हुआ लंच। भूख जब हमने नूडल्स वगैरह चाउमिन वगैरह खाए तो उसके बाद भूख भी लग गई थी, तो आए तो खाना एटलीस्ट अच्छा बना हुआ था। बट लाइट बंद है तो अंधेरे में खाना खा नहीं पाऊंगा, तो मोबाइल की लाइट ऑन करके आज लंच करना पड़ेगा। तो लंच में आज क्या बना हुआ है, आज बने भाई चावल कढ़ी, और साथ में ये पाइन एप्पल है। तो लाइट बंद है, मोबाइल की लाइट में ही खाते हैं, करते हैं लंच, तो आप देखते रहो। तो आज लाइट का पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है, 15 मिनट रहती है और 1.25 घंटा 1 घंटा बंद रहती है, इसलिए आज मैच भी नहीं देखा। लाइट आने से पहले मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन आउट हो गए थे, रोहित शर्मा कैप्टन बनाया था, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो आज मैच भी नहीं देखना। तो अभी मैं निकल गया हूँ वॉक पे, अंदर बैठ के भी क्या करता, लाइट थी नहीं तो कुछ भी नहीं, फ़ायदा था नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ रोहित सर के पास, वो कह रहे थे कि शाम को हो सकता है कहीं चलते हैं, वो एक्चुअली रहते हैं थोड़ा दूर मेरे यहाँ से, कोई 15 मिनट का रास्ता है पैदल, तो मैंने उनको बोला कि मैं पैदल ही आ जाता हूँ। तो अभी जा रहा हूँ। तो जी आपको मिला तो बड़े स्पेशल बंदे से, इनका नाम है रोहित सर। रोहित सर हेलो बोलो पहले। हेलो। रोहित सर जो है उधमपुर, मेरा एकमात्र सहारा उधमपुर से यही है, होना चाहिए, अगर उधमपुर से कोई हो तो सहारा रहता है कि इनकेस कभी फ्लड वगैरह आ गया तो ये बचा लेंगे। तो अभी मैं और रोहित सर, अभी रोहित सर के रूम में आए हूँ, ये रोहित सर का रूम है, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पे पूरे परिवार के साथ ही रहते थे, पहले रहते थे बाद में घर पे छोड़ा है फैमिली। तो अभी अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? अभी जा रहे हैं हम राधा कृष्ण मंदिर।
अच्छा सिटी हम में। अच्छा ले सिटी में एक राधा कृष्ण मंदिर है और शनि टेम्पल भी वहां पे हम जा रहे हैं, तो हम चलते हैं, आप देखते रहो। तो जी ये मेरे पीछे है लेह का एकमात्र राधा कृष्ण टेम्पल, बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ पे मैं पहले आया था, लास्ट टाइम शिवरात्रि थी जब, उस दिन आया था यहाँ पे। बड़ा सही सा टेम्पल है, अंदर चलते हैं आपको भी दिखाते हैं। तो जी ये मिला हमको प्रसाद अंदर से, राधा कृष्ण मंदिर से। ये लड्डू या गुलाब जामुन सर है क्या? गुलाब जामुन पक्का भाई। मंदिर अंदर से इतना अच्छा है ना, और ये ले मेन सिटी से ही बिल्कुल पास ही है, बट पूरे ले जो पूरी जितनी भी सिटी है उसमें मेरे को मंदिर खास दिखे नहीं है। मैं शिवरात्रि पे भी इस मंदिर में आया था और आज भी आया। मंदिर आके बड़ा अच्छा लगता है, आज बड़े दिन के बाद, बड़े टाइम के बाद मैं खुद मंदिर आया हूँ। तो अब हम ये गुलाब जामुन खाएंगे और यहाँ से चलते हैं। ले में ना बाकी सब कुछ सही है, होता क्या है जब शाम होती है ना, जो यहाँ पे हवा चलती है वो सबसे खतरनाक है भैया। और बाइक पे पीछे बैठना बिना हेलमेट के बड़ा दिलेरी वाला काम है। तो अब हम निकले हैं मंदिर से, रोहित सर जा रहे हैं कहाँ पे अब? देखते हैं, मोमो चाउमिन खाते हैं। अच्छा मोमो चाउमिन खाने जा रहे हैं, तो देखते हैं अगर कहीं दुकान मिल जाती है। लेट अभी इतना खास हुए नहीं है, लाइट है काफी, तो अगर देखते हैं दिखती है दुकान तो खाते हैं मोमो चाउमिन। खा लिए हमने मोमोज और अब हम जा रहे हैं वापस सुंदर की तरफ। मोमोज बड़े लजीज बने थे, पता नहीं कहाँ पे दूसरे छत लेके गए थे रोहित सर, लेके गए थे क्योंकि इनको पता है यहाँ का, ये काफी टाइम हो गया यहाँ पे रहते हैं, दो दुकानों का इनको पता है जो बेस्ट है वहाँ पे इनको लेके गए थे। तो मोमोज वगैरह खा लिए। और यहाँ पे पता है क्या, ले में अगर आप फास्ट फूड कुछ भी खाते हो, जैसे चाउमिन खाते हो सुबह खाए थे और मोमोज खाते हो कुछ भी खाते हो, तो सूप जो है यहाँ पे फ्री मिलता है। मतलब हो सकता है कि सूखी सूखी चीज़ें बनाते हैं, इसलिए फ्राइड मोमोज यहाँ पे मिलते नहीं। फ्राइड मोमोज एक दिन हम पता कर रहे थे, फ्राइड मोमोज कहीं मिले नहीं थे, तो यहाँ पे मिलते सही नहीं है, बट सूप जो है वो फ्री मिलता है हर चीज़ के साथ। तो अब ठंड भी काफ़ी लग रही है और हम चलते हैं रूम की तरफ।